happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. जन्मदिवस ये तुम्हारा बड़ा ही लगता प्यारा, आई बाहर लेकर है अनोखा नजारा। सदा सलामत सदा खुश रहना कहता जहान सारा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 happy happy birthday to you, happy happy birthday to you. आदरणीय राता जी को एक बार पुनः हम सभी जन्मदिन की अनंत अनंत दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप दीर्घायु हो, शतायु हो और स्वस्थ रहते हुए यूं ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। तो इससे पूर्व कि आप सब अपनी शुभकामनाएं लेकर आए, मैं चाहूँगा कि राता जी ही शुरुआत में हम सबको आज आपकी जो सुंदर बाबा से सुबह से रूहरिहान हो रही है या जो सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं, वर्तमान समय हम सब के लिए भी जो सुंदर आपके मन में शुभ आश है वो रखें, पश्चात हम सब अपनी शुभकामनाएं देंगे दादा जी। और मेरे मन में कुछ इच्छाएं हैं, इच्छाएं माना शुभकामनाएं भविष्य के लिए, संसार को कुछ देने के लिए। मैंने बाबा कहा वो पक्का कर दो, वरदान ऐसा दे दो कि जो मेरी ये शुभकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, मैं पूर्ण कर सकूं। तुरंत बाबा का एक महावाक्य गूंजने लगा बुद्धि में, मुझे याद नहीं था। निस्वार्थ संकल्प पूरे ना हो ये हो नहीं सकता। फिर आज का दिन जब जब आता है मुझे अपना पूरा जन्म जीवन याद आता है, कैसे छोटे से में ज्ञान मिला। बाबा ने खींचा बहुत ज्यादा, बाबा ने खींचा मुझे। मैं तो अपनी पढ़ाई में मगन था, उसको छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन खिंचाव ऐसा हुआ कि बाबा के पास आ गए। आए तो बाबा से बहुत कुछ मिलने लगा, पहले दिन से ही मिला। अव्यक्त बाबा हुए, बहुत मिलन हुआ, बहुत चीजें मिली। उन दिनों हमें पता नहीं था कि ये वरदान है बाबा के। जैसे जैसे वो फलीभूत होते गए तो लगा ये तो वरदान दे दिए थे बाबा ने। कहा कुछ तब तो हम कहते थे बाबा ने आज मुझे ये अच्छी बात कही, मजा आ गया। लेकिन पीछे पता चला ये तो वरदान बन गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात रही। बाबा से मिलन बहुत रहा, बाबा से प्यार बहुत रहा। बाबा बुला लेते थे हमें कई बार, तब हम किचन में दो ही भाई थे और बोली दादी दो तीन और। कई बार बाबा सवेरे आए और 11 बजे जाते थे तो कहते थे किचन वाले बच्चों को बुलाओ आप ही, और बहुत अच्छा मिलन होता था। तो मिलन भी बहुत रहा और प्यार भी बहुत मिला, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे तैयार कर रहा है। मैं आजकल जब बाबा को शुक्रिया करता हूँ तो एक बात आप ही दिल से निकलती है, मिला तो बहुत कुछ है उससे, पर बाबा आपने मुझे बहुत योग्यताएं दी। वो सब मेरे में नहीं थी, मैं जानता हूँ, वो मिली है ऊपर से।
जब सेवाओं में यूज होती है। एक प्राइवेट बात सुना देता हूँ। हमारे संपर्क में एक भाई है जो बहुत अच्छा संदेशी है और बाबा से क्लियर मैसेज आता है। तो जब गुलजार दादी गई, जानकी दादी गई थी, तब मैंने पूछा जानकी दादी से कि बाबा मेरा नंबर कब लगेगा। हमें ये तो है नहीं कि हमने कुछ किया नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ किया है, जब चाहे बुला ले, संतुष्टता है पूरी। तो उस भाई ने बताया कि बाबा ये बात सुन के खुश नहीं हुए, बच्चा ये क्यों पूछता है, और एक बहुत सुंदर बात कह दी है तो प्राइवेट पर मेरे मुख पर आ गई, तो आप पूछते रहेंगे वो क्या थी, तो मैं बता ही देता हूँ, सुंदर बात है। बाबा ने कहा बच्चे को तो सबको गाइड करना है अंत तक, इसलिए जाने जी ने सोचा। 2 साल पहले की बात है, तो मुझे मतलब क्या कहूँ, कैसी फीलिंग हो गई कि जब गाइड करना है तो अपने को उसके लिए और तैयार करना है। और मैं देखता जाता हूँ अब के बहुत सारे लोग जुड़ गए सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत अच्छा होता है जब कोई बताता है, बताते ही रहते हैं लोग रोज, एक तो गुड न्यूज बताते ही हैं, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी ये समस्या ठीक हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, बच्चे की ऐसी हालत थी वो ठीक हो गया। तो मुझे तो अच्छी तरह पता है कि ये कोई मेरे कहने से नहीं हुआ, ये तो ऊपर से काम होता है, वो किसी को निमित्त बना देता है, माध्यम कि भाई इनके द्वारा तुम्हें ये मिलेगा, करूँगा मैं, पर ये चीज ठीक हो जाएगी। तो ऐसे अनुभव रोज आते हैं, रोज एक दो, तो बहुत खुशी होती है कि बाबा हमें अच्छा यूज कर रहा है, तन को भी बहुत अच्छा रख रहा है, छोटी मोटी बातें आती हैं पार करा देता है बहुत सहज। मैं तो कुछ भी हो तो बाबा को कहता हूँ बाबा भेजो किसी को मुझे ठीक करने के लिए, और कोई ना कोई आ जाता है, मिल जाता है आप ही। तो बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, योग कर रहे थे मैंने बाबा को बुलाया, सब तो आ ही रहे पर आप सबसे पहले आ जाओ, और मुझे फील हुआ कि बाबा ने आकर सिर पे हाथ रख दिया है, वरदानी बहुत खुश हैं और जीते रहो का वरदान दे रहे हैं। 99% विघ्नों से मुक्त, जो थोड़ा बहुत आया है उसने और पावरफुल बना दिए। मैं हमेशा ये लक्ष्य भी रखता रहा हूँ, कुछ भी आए उससे हमें सीखना है और अपनी शक्तियों को और बढ़ा देना है। तो बहुत सुंदर यात्रा रही है, आप सब आए, आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स, आपका प्यार दिख रहा है मुझे सबका, और बाबा को सबसे पहले थैंक्स, उसने आके आशीर्वाद दिया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा हमसे अच्छे अच्छे कार्य कराता रहेगा और आगे की यात्रा और सुंदर होगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। माता जी अंत तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम सबको ऊपर पहुंचा करके आएंगे। हम साथ चलेंगे तो भ्राता जी हम सबके साथ साथ हैं, सबने बहुत बहुत दिल से बहुत सारी, जैसे मैं क्या कहूँ, आज तो सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, सभी में बहुत 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 सबने अपने दिल की दुआएं भेजी हैं। एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके पश्चात आप सबको भी आमंत्रित करूँगा। किसी ने कहा सूरज चांद सितारे भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाएं, मास्टर सर्वशक्तिवान के आपके बताए अभ्यास से बुझे दीप भी प्रज्वलित हो जाएं। आए हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य के जन्म दिवस की ये दुआ करते हुए मनाएं। प्राता जी का जन्म दिवस बार बार आए पर इनकी उम्र न घटा पाए। जोरदार तालियां, बार बार तो हम मना ही रहे थे लेकिन उम्र जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि बिल्कुल भी ना घटा पाए। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत इस पुष्पमाला के साथ हम सब भी शरीक हैं, शामिल हैं।
जोरदार तालियां। अपनी तालियों के साथ हम राधा जी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, आप देख रहे हैं, खुशबूदार। लक्ष्मीचंद भाई जी आइए, गीता बहन जी आइए, संजय भाई। किन सारे पुष्पों से ज्यादा जो चेहरा खिला हुआ है वो सूर्य भाई जी का खिला हुआ है। ये गुलाबों में रूहे गुलाब हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम पहले सूर्य भाई जी को जन्मदिन की मुबारक देते हैं। कहते हैं इस पृथ्वी पे बहुत कम जीवन और जन्म ऐसे हैं जो सचमुच सेलिब्रेट करने के लायक हैं, और हमारे सूर्य भाई जी विशेष हैं, ऐसे हैं जिनका जन्मदिन क्या हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरा जीवन सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरा कल्प सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरा संगम युग सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले के बैठकर बहुत प्यार भरे कुछ भाव जन्मदिन के लिखे हैं, मैं उनके आगे अर्पित कर रहा हूं आप सबकी तरफ से। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। प्रिय सूर्य भाई जी, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, इन पावन पलों में दैवी परिवार का प्यार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक। बाबा के अतुल्य सूर्य हो आप, बाबा के अतुल्य सूर्य हो आप, तप ज्ञान तेज शौर्य हो आप, आपके नाम से उजली, आपके नाम से उजली जन्म की हर उजियार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक। खुशियां प्रेम स्वास्थ्य दे हर लम्हा आपको, ऑलरेडी दे रहा है, और खुशियां प्रेम स्वास्थ्य दे हर लम्हा आपको, दामन में पद्मों सितारे दे आसमां आपको, खुशियां प्रेम स्वास्थ्य दे हर लम्हा आपको, दामन में पद्मों सितारे दे आसमां आपको, आपके सपनों का आपको, आपके सपनों का आपको संसार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, दैवी परिवार का प्यार मुबारक। शुभकामनाएं लेकर छू रही आपको हवाएं हैं, ये अरावली की हवाएं, पीस पार्क की हवाएं देख के चलती थी। शुभकामनाएं लेकर छू रही आपको हवाएं हैं, और इन फरिश्ते और परियों की छू रही आपको दुआएं हैं। शुभकामनाएं लेकर छू रही आपको हवाएं हैं, इन फरिश्तों और परियों की छू रही आपको दुआएं हैं। अपने पन से भरा आपको ये संसार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, दैवी परिवार का आपको प्यार मुबारक। संग आपके ये दैवी बगिया खिलती रहेगी, गाइड बन के रहना है सदा, बाबा ने कर रहे हैं। संग आपके ये बगिया सदा खिलती रहेगी, आपका साथ पाने की तकदीर मिली है, कल्प कल्प मिलती रहेगी, आपका साथ पाने की तकदीर मिली है, हर कल्प मिलती रहेगी। आला है जो सारे जहां में, आला है नंबर वन, आला है जो सारे जहां में, आपको ऐसा किरदार मुबारक, जन्मदिन की आपको बहार मुबारक, दैवी परिवार का आपको प्यार मुबारक, प्यार मुबारक। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर सुंदर आपने जो शब्द के पुष्प अर्पित किए हैं, सचमुच बहुत ही शानदार। बड़ी दूर से यूपी से आप भ्राता जी के बर्थडे पे यहाँ पधारे हैं और अपने दिल के सुंदर भाव सौगात के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आमंत्रित मैं कह रहा हूँ, जरूर सभी आए और इधर ही, और बाकी जो भी अपने दिल के सुंदर भाव रखना चाहते हैं उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं लक्ष्मीचंद भाई जी जो कि छोटे भाई हैं भ्राता जी, उन्हें माइक दे रहा हूं कि वो भी तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आत्मा समझता हूं कि भाई साहब के सानिध्य में बचपन बीता और इन्हीं से सब कुछ सीखने को मिला,
जीवन में जो भी कुछ है वो इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ और बहुत ही खुश नसीब हम सब हैं जो भाई साहब का इस अंतिम जीवन में साथ मिला। इससे सिद्ध है कि पहले जन्म से ही हम सदा साथ रहे हैं और इस जन्म में भी साथ है। इस बात को देखते हुए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं और इस अंतिम समय में भी लास्ट तक साथ बना रहे ये मेरी शुभकामना है। हम सब तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। भाई जी तो ब्राह्मण संसार के लिए गॉडली गिफ्ट है, रियलिटी तो ये है। तो हम भी बहुत भाग्यशाली है, बचपन से मैं भाई जी का पालना से बहुत पला हुआ हूँ। भाई जी जितनी साधारण दिखते हैं ना उनकी विचारधारा उतनी बहुत श्रेष्ठ होता है। हमें यह सीखने को बहुत मिलता है कि इनको हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वो कितना भी गलती करे, कितना भी कुछ बोले, भाई जी के लिए भी बोले, गलतियां भी करे, तो भी भाई जी का इतना शुभ भावना, शुभ कामना होती है उस आत्मा के प्रति। और भाई जी तो तपस्वी है, त्यागी आत्मा है, उनकी तपस्या की शक्ति से वो आत्मा तुरंत परिवर्तन होता है। भाई जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि आप लोग सब जितने भी निमित्त भाई है ये सब हमारा परिवार है, इनको शुभ भावना से, शुभ कामना से परिवर्तन करो। जितनी त्यागी है उतनी तपस्वी आत्मा है। मैं ऐसे भाई जी के साथ रहते हुए 30 साल हो गया लगभग। हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और भाई जी को बर्थडे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा ओम शांति। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार।